डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ब्राइट इंग्लिश स्पीकिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश फैक्ट्स के बारे में। इंग्लिश फैक्ट्स के इससे पहले भी मैंने पार्ट वन वीडियो बनाया है, ये पार्ट टू वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर पार्ट वन वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंग्लिश की बहुत सी रोचक जानकारियों के बारे में जानेंगे, फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा वर्ड कौन सा है, सबसे लंबा शब्द कौन सा है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, पहला सवाल है कि विच इज़ द ओनली इंग्लिश वर्ड डैट हैज सेम वोवेल फाइव टाइम्स, यानी अंग्रेजी भाषा का वह कौन सा शब्द है जिसमें केवल एक ही वोवेल पांच बार आता है। तो दोस्तों, वो वर्ड है इनडिविजिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द इनडिविजिबिलिटी में पांच बार आई आया है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाउ द वर्ड अल्फ़ाबेट इज़ मेड, यानी अल्फ़ाबेट शब्द कैसे बना है। दोस्तों, ये जो वर्ड है अल्फ़ाबेट, एक्चुअली ये ग्रीक के दो वर्ड अल्फ़ा और बीटा से लिया गया है, यानी अल्फ़ा और बीटा जैसे हमारी इंग्लिश के अंदर ए बी सी डी होते हैं, लेटर्स होते हैं, वैसे ग्रीक के फर्स्ट दो लेटर्स अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों को मिला करके ये वर्ड बना है अल्फ़ाबेट। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये अल्फ़ाबेट कैसे बना है। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, विच आर द वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज विथ थ्री कंसेक्यूटिव डबल लेटर्स, यानी अंग्रेजी भाषा में वह कौन से शब्द हैं जिनमें तीन बार दोहरे अक्षर आते हैं एक के बाद एक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, वर्ड है दोस्तों, द वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज विथ थ्री कंसेक्यूटिव लेटर्स डबल लेटर्स आर बुक कीपिंग एंड बुक कीपर। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर लगातार तीन वर्ड दोहरे हैं, डबल ओ, डबल के, डबल ई। दोस्तों, अगली जानकारी, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड, जैसा कि मैंने थंबनेल में आपको बताया कि इंग्लिश भाषा का सबसे लंबा शब्द कौन सा है। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इंग्लिश भाषा का सबसे लंबा शब्द है निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए आप, मैं आपको बड़े अक्षरों में दिखाता हूँ, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। जी दोस्तों, ये एक बीमारी है जो धूल या मिट्टी के कण फेफड़ों में जाने से ये बीमारी होती है, यानी फेफड़ों की डिजीज़ है, फेफड़ों की बीमारी है। और ये बीमारी का नाम जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे लंबा शब्द है, सबसे लंबा वर्ड है। एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ दोस्तों, निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कोनियोसिस। अगला इंग्लिश फैक्ट है दोस्तों कि पूरी अंग्रेजी भाषा में वह कौन सा शब्द है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों लगातार आते हैं, यानी एक के बाद एक एक्स वाई जेड तीनों लगातार आते हैं। दोस्तों, वो शब्द है हाइड्रोक्सीजाइन। हाइड्रोक्सीजाइन दोस्तों एक्चुअली एक दवा का नाम है, एक मेडिसिन का नाम है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।